आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP दिलाने के लिए सरकार ने कमेटी तो गठित कर दी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर झगड़ा कायम है। किसान आंदोलन करने वाले लोग MSP की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार ने कहा है कि कमेटी का गठन MSP मिलने की व्यवस्था को और प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने का सुझाव देने के लिए किया गया है, न कि गारंटी देने के लिए। कमेटी गठन के नोटिफिकेशन में गारंटी जैसी कोई बात नहीं लिखी है। उधर सरकार के इस रुख के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस सांसद दीपक बेज और BSP सांसद कुंवर दानिश अली के सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा कि सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से MSP पर कानूनी गारंटी देने के लिए नहीं, बल्कि इसे और प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी गठन का आश्वासन दिया था। इसके अनुरूप 29 सदस्य कमेटी का गठन किया जा चुका है। मतलब साफ है कि MSP को लेकर एक बार फिर सरकार और किसान संगठन आमने सामने हैं। कमेटी के कई ऐसे सदस्य हैं जो MSP के घोर विरोधी माने जाते हैं। क्या सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को दिसंबर 2021 के दौरान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया था? क्या सरकार का विचार किसानों के उत्पादन के लिए हेतु MSP को लेकर कोई कानून बनाने का है? क्या सरकार की योजना MSP व्यवस्था का विस्तार 22 अनिवार्य कृषि फसलों के अलावा अन्य फसलों तक करने का है? इन सवालों पर सरकार ने इधर उधर की बात की है, लेकिन MSP की गारंटी देने और इसका विस्तार दूसरी फसलों तक करने को लेकर कुछ नहीं कहा है। सरकार समर्थक कृषि अर्थशास्त्री अक्सर ये तर्क देते हैं कि MSP की गारंटी देने से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। वो अक्सर कहते हैं कि जो फसलें MSP के दायरे में हैं, अगर उनकी पूरी खरीद मौजूदा रेट पर की जाए तो इस पर लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। हालांकि वो इस बात को भूल जाते हैं कि इसी देश में किसान 50 पैसे किलो प्याज, 5 रुपए किलो लहसुन और 2 रुपए किलो आलू बेचने के लिए मजबूर है। फिलहाल सरकार ने MSP की गारंटी पर कुछ नहीं बोला है, जिसके बाद नए किसान आंदोलन की रूपरेखा बनानी तैयार हो गई है। किसी भी किसान नेता ने ये नहीं कहा कि MSP की कानूनी गारंटी देने के बाद उनकी सारी फसलें सरकार ही खरीदे। किसानों का कहना है कि सरकार ऐसी कानून व्यवस्था बना दे जिससे कि MSP के दायरे में आने वाली फसलों की निजी खरीद भी उससे कम पर नहीं हो सके, ताकि किसानों को नुकसान ना हो। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि MSP की सतर्कता तब है जब खरीद गारंटी कानून लागू हो, वरना खरीद नहीं होगी और पूरा दाम नहीं मिलेगा तो इसका क्या फायदा। वही स्वामीनाथ आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार MSP की गारंटी का कानून बनवाने के लिए आंदोलन ही हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा है, ऐसा उन्होंने कहा। अब हम आंदोलन की बड़ी रणनीति तैयार करने का काम करेंगे। सरकार अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक MSP नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।